डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ महापौर चुनाव में तेजी से उभर कर सामने आए AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अनस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही यह बात भी खुलकर सामने आ गई है कि पार्टी ने पश्चिम का मैदान इसलिए छोड़ा था ताकि फिरकाप्रस्त ताकतों को रोका जा सके, सेकुलर जमात को मौका मिल सके। अनस ने साफ कहा कि क्षेत्रीय नेतृत्व ने पार्टी व पार्टीजनों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीच सड़क पर ला दिया। पार्टी नेतृत्व को इस पर ध्यान देते हुए अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे आहत होकर यह इस्तीफा दिया गया है। जमात की खिदमत वह जारी रखेंगे, जरिया क्या होगा इसका फैसला जल्द हो जाएगा। FirstBite.TV से वार्ता करते हुए मोहम्मद अनस ने यह जानकारी दी। देखिए, जो पार्टी मिशन से तहरीक से हट जाती है, जो बड़े बड़े बुलंदबान दावे करती है, जिसका प्रदेश नेतृत्व बड़े बड़े बुलंदबान दावे सूबे के अंदर करता हो, और जिस पॉलिटिकल पार्टी का क्षेत्रीय नेतृत्व तमाम एक मुख्तलिफ दलों के लिए काम करता हो, उस नेतृत्व के दरमियान में रहकर मैं हरगिज़ काम नहीं कर सकता। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करती है शोषितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद की बात भी करती है, लेकिन आप देखिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो लोग गलत हैं, उन तमाम लोगों की हकीकतें सामने आने के बावजूद जब पार्टी को तमाम चीज़ों से वाकिफ करवाया, पार्टी सही गलत पे फैसला नहीं कर पाई। इसलिए मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि जो जमात सही गलत पे फैसला नहीं कर सकती, जो जमात अपने उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती जिन्होंने एक दशक तक पार्टी की बुनियाद से लेके पार्टी के राजनीतिक ढांचे को खड़ा किया हो, उस जमात में रहकर काम नहीं किया जा सकता, उस जमात के नेतृत्व के दरमियान में रहकर काम नहीं किया जा सकता। किस तरीके के लोग थे जो गतिविधि, आरोप भी है कि दूसरी पार्टी को अंदर आने से रोकते हैं? देखिए, अभी हाल ही में जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान को खाली छोड़ा, इसलिए ताकि वो चाहते थे कि जो फिरका परस्त पार्टी है, फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको हराया जा सके, ताकि देश में तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, मॉब लिंचिंग है, मुसलमानों को, दलितों को दबाने की कोशिश है, और तमाम जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जा सके, इसलिए मैदान को खाली छोड़ा ताकि सेकुलर जमातों को मौका मिल सके। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो पश्चिम के नेतृत्व के इशारे पे किसी मुख्तलिफ पार्टी के दरमियान में बैठ के वहाँ पर किस तरह से वो लेन देन की बातों का मामला सामने आया, एक अवामी मसला बना, चौराहों पे चर्चाएं हुई, सड़कों पे चर्चाएं की गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ का संगठन बिक गया है, ये तमाम इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर पर है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये चाहिए था कि ये तमाम इल्ज़ाम के बाद कमेटियों को भंग किया जाना ज़रूरी था। मैंने भी जितना हो सकता है कोशिशें की कि फैसला लिया, इन्हें सही और गलत पे फैसला नहीं किया, तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया। तो आपके पीछे वो कितने कार्यकर्ता हैं जो इस इस्तीफा में शामिल? देखिए, हमारे साथ बड़ी तादाद में हमारे लोग हैं, और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहे थे, 90% से ज़्यादा संगठन के सवाल यही थे कि पार्टी किसी तरह का कोई फैसला ले, वो लोग पार्टी के कोई भी किसी भी तरह के फैसला ना लेने से मायूस हैं, और हमने पार्टी छोड़ी तो तमाम लोगों का समर्थन हमें हासिल हुआ, और तमाम लोग हमारे साथ हैं, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं। पार्टी ने आपको मेयर का चुनाव लड़ा था, कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया था, कितनी वोट है? देखिए, पार्टी ने मुझे मेयर का इलेक्शन लड़ाया, जिसके लिए मैं पार्टी का हमेशा आभारी रहूँगा, और मेरठ की आवाम ने मुझे 1,28,547 वोटों से नवाजा था। लोगों ने, आवाम ने मेरे पे भरोसा किया, इसलिए
कि ईमानदारी से मैं उनका नेतृत्व कर सकूं, लेकिन जहां बात बेईमानी की आती है तो वहां ईमानदारी का उभर के आना ज़रूरी है और आवाम को ये पता चलना ज़रूरी है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं जो ईमानदार नहीं है, मैं मेरी आवाम के साथ हूं और इंशाल्लाह आवाम के साथ रहूंगा। तो ये राजनीति का सफ़र आगे जारी रहेगा, किसी और पार्टी की तैयारी है? देखिए, राजनीतिक सफ़र की बात तो यह है, हमारा मकसद शुरू से रहा है कि हमें आवाम की खिदमत करनी है, दलितों के मसाइल को उठाना है, मुस्लिमों के मसाइल को उठाना है, तमाम पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज़ को हमें उठाना है, उनकी खिदमत हमें करनी है। अब खिदमत की शक्ल, खिदमत की बहुत सी सूरतें होती हैं, अब किस शक्ल में हम आवाम की खिदमत करेंगे वो हमारी कोर कमेटी बैठेगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, चूँकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी टीम है, वो बैठ के तय करेगी कि हमारी जो अगला स्टेप होगा, कदम होगा, हमारी दशा क्या होगी, वो मीटिंग में बैठ के हम तय करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।